माननीय सदस्यगण, 21वीं सदी के तीसरे दशक के प्रारंभ में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं पुनः नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ सभी संसद सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी होने के लिए बधाई देता हूं। यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। इस दशक में हम सभी को मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण को गति देनी है। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले 5 वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। चाहे पूज्य बापू का ग्राम स्वराज का सपना हो, बाबा साहेब आम्बेडकर की सामाजिक न्याय की नीति हो, नेहरू जी का आधुनिक भारत बनाने का स्वप्न हो, सरदार पटेल का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प हो, दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का लक्ष्य हो या लोहिया जी का समता समाज का दर्शन हो, हम भारत के लोग मिलकर इन सपनों को पूरा करेंगे। माननीय सदस्यगण, भारत का संविधान इन सपनों को पूरा करने में हम सभी का मार्गदर्शक है। कुछ सप्ताह पहले ही 26 नवंबर को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए। उस दिन देश के 12 करोड़ नागरिकों ने सार्वजनिक रूप से संविधान की उद्देशिका को पढ़कर संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया। हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के साथ ही देश के नागरिकों को उनके कर्तव्यों का बोध भी कराता है। माननीय सदस्यगण, मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस लोकसभा के पहले सत्र में सदन द्वारा कार्य निष्पादन पिछले 7 दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है। मेरी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण मुस्लिम महिलाओं को न्याय और अधिकार देने वाला 3 तलाक विरोधी कानून देशवासियों को नए अधिकार देने वाला उपभोक्ता संरक्षण कानून गरीबों की बचत रक्षा करने वाला अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून गरीबों को चिटफंड स्कीमों के धोखे से बचाने वाला चिटफंड संशोधन कानून बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की सजा सख्त करने वाला कानून सड़क हादसों में कमी लाने के लिए मोटर वाहन संशोधन कानून और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून जैसे अनेक ऐतिहासिक कानून बनाए गए। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर देश की जनता द्वारा प्रकट किया जाने वाला विश्वास हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया वह भी प्रशंसनीय है। मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा परिचर्चा तथा वाद विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा समाज और देश को कमजोर करती है। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में सबसे पवित्र होता है लोगों से मिला जनादेश। देश की जनता ने मेरी सरकार को ये जनादेश नए भारत के निर्माण के लिए दिया। एक ऐसा नया भारत जिसमें हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो, एक ऐसा नया भारत जिसमें पुरानी समस्याओं के समाधान के साथ ही विकास के नए अध्याय लिखे जाएं, एक ऐसा नया भारत जिसमें गरीबों दलितों महिलाओं युवाओं आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुविधा मिले और आगे बढ़ने के नए अवसर भी। सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 52वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंच गया है। अलग अलग क्षेत्रों में ये सुधार अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी एक आह्वान है कि भारत ने
पिछले 5-6 वर्षों में किस तरह अपनी बुनियाद मजबूत की है और भारत के लोग कैसे नए भारत के निर्माण के लिए उत्साहित हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है। 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 2 करोड़ गरीबों को घर, लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना भेदभाव के दिया गया। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया जाना न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब वहाँ के लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, उजाला योजना, DBT तथा खाद्य सब्सिडी का पारदर्शी तरीके से पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं 2 साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया। दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक दूरी से अधिक वहां के लोगों को दिलों की दूरियां खटकती थी। मेरी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अथक परिश्रम करके इस स्थिति को बदला है। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है। माननीय सदस्यगण, देश के आदिवासी भाई बहनों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। पहली बार किसी सरकार द्वारा वन उत्पादों पर MSP का लाभ दिया गया है। मेरी सरकार का विशेष बल आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर है। भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है। सरकार देश भर में वक्फ संपत्तियों का 100% डिजिटाइजेशन भी करा रही है जिससे इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के भले के लिए किया जा सके। विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू और सिख जो वहां नहीं रहना चाहते वे भारत आ सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर उनकी इच्छा को पूरा किया गया। विशेषकर ऐसे समय में जब देश किसानों के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार यानी ई-नाम का प्रभाव भी अब दिखाई देने लगा है। देश के 1,65,00,000 किसान अब करीब 1,25,00,000 व्यापारी इससे जुड़ चुके हैं। लगभग 90,000 करोड़ रुपए का कारोबार इस प्लेटफॉर्म पर हो चुका है। इस दशक में ई-नाम को और प्रभावी बनाने के लिए 400 से ज्यादा मंडियों को इससे जोड़ने पर काम चल रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज का खर्च काफी कम हुआ है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 3,50,00,000 शिशुओं और लगभग 90,00,000 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो चुका है। दलितों और आदिवासी क्षेत्रों में इन योजनाओं का लाभ विशेष तौर पर देखने को मिल रहा है। समानता के इसी उद्देश्य के साथ पहली बार सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को स्वीकृति दी गई है। मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति का काम भी जारी है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार फाइटर स्ट्रीम और डिफेंस अटैची के रूप में भी उन्हें नया अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश में अमेठी की आर्डिनेंस फैक्ट्री में रूस के साथ मिलकर दुनिया की आधुनिक राइफल AK-203 का निर्माण शुरू किया जा रहा है। हाल ही में जब तेजस के नेवल प्रोटोटाइप ने INS विक्रमादित्य पर लैंडिंग की
और उड़ान भरी तो प्रत्येक भारतीय गर्व से भर उठा। सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। ए सैट के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में विशेष मारक क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार आतंकवाद के खतरे से देश को बाहर निकालने के लिए पूरे सामर्थ्य और दृढ़ता से काम कर रही है। आतंक के बदलते स्वरूप को देखते हुए नागरिकों की सतर्कता भी बहुत काम आती है। जनता के सहयोग से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में कितनी मदद मिलती है, ये जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में आई कमी से भी पता चलता है। मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है। सरकार के निरंतर प्रयास से नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। देश में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा भी निरंतर सिमट रहा है। माननीय सदस्यों, मेरी सरकार विदेश नीति को देश की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू मानती है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाकर आर्थिक विकास और संपन्नता को गति दे रहे हैं। नेबरहुड फर्स्ट की नीति हमारी प्राथमिकता है। अपने पड़ोसियों के साथ साथ विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। यही कारण है कि अनेक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान भारत को दिया है। आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ अपने सहयोग को हम नए स्तर पर ले जा रहे हैं। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद CDRI यानी कोएलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की वैश्विक साझेदारी की पहल की है। आपदा से निपटने के लिए उठाए गए इस कदम से एक संवेदनशील विश्व शक्ति के रूप में भारत की भूमिका और सशक्त होने जा रही है। माननीय सदस्यगण, जो दशक अभी शुरू हो रहा है वो आने वाले समय में वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति तय करेगा। इसी दशक में दुनिया को न्यू इंडिया का समावेशी समृद्ध समर्थ और सशक्त स्वरूप दिखाई देगा। इसलिए सदन के प्रत्येक सदस्य का तथा हर देशवासी का यह कर्तव्य है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करें और अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। देश हित के लिए देश का हर नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो, कर्तव्य के प्रति समर्पित हो तथा यह कर्तव्य बोध हमारे नागरिक जीवन की प्राथमिकता बने। इस दिशा में हम सभी को काम करना चाहिए। आइए हम सब 2020 के दशक को कर्तव्यों का दशक बनाएं। आइए हम सब मिलकर नए भारत का सपना पूरा करें। हम सब मिलकर नया भारत बनाएं। जय हिंद। Honorable President, I wish to read few paragraphs from English version of your address to the joint sitting of Parliament today, and the rest of the address may be considered as read. Honorable members, I am pleased to address the joint sitting of the Parliament at the start of the third decade of 21st century. I once again extend my wishes for the new year and congratulate all members of Parliament for being a witness to this historic occasion. This decade is extremely important for India. In this decade, we will complete 75 years of our independence. In this decade, we all have to work together with a new energy to give impetus to the making of a new India. With the efforts of my government, a strong foundation has been laid in the past 5 years to make this decade India's decade and this century India's century. Whether it is Pujya Bapuji's dream of Grama Swaraj, Baba Saheb Ambedkar's principle of social justice, Jawaharlal Nehruji's dream of creating a modern India, Sardar Patel's reserve for Ek Bharat Shrestha Bharat, Deen Dayal Upadhyay's goal of Antyodaya, Ram Manohar Lohiya's vision of social equality, we the people of India will together make these dreams a reality. I am happy that in the last 7 months, Parliament has set new standards in inducting its business. The performance during the first session of this Lok Sabha has set a new record.
the last 7 decades. Due to my government's strong commitment, the law against triple talaq, ensuring justice to Muslim women and safeguarding their rights, the Consumer Protection Act, providing new rights to the citizens, banning of unregulated deposit schemes act for protecting the savings of the poor, the Chit Funds Amendment Act, protecting the poor from fraudulent chit fund schemes, the law enhancing punishment for sexual offences against the children, Motor Vehicles Amendment Act aimed at reducing road accidents, and the law protecting the right of transgender persons, several such historic legislations have been enacted by the Parliament. I congratulate every member of the Parliament for fulfilling this constitutional responsibility. In a democracy, nothing is more shared, sacred than the mandate given by the people. People of the country have given this mandate to my government for making of a new India. Rapid development of Jammu Kashmir and Ladakh, preservation of their culture and traditions, transparent and honest administration, and democratic empowerment are among the priorities of my government. During the president's rule and since becoming a union territory, all the developmental projects in Jammu, Kashmir and Ladakh have gained momentum. Towards the end of year 2018, elections, more than 4,400 panchayats of Jammu, Kashmir were conducted in a peaceful manner. For the first time since independence, elections to more than 300 block development councils have also been held there. The people there are now getting full benefits under Swachh Bharat Abhiyan, Ujjwala Yojana, Ayushman Yojana, Ujjal Yojana, direct benefit transfer and food subsidy in a transparent manner. We must always remember that we are first and foremost citizens of this country, and leaders are supporters of a particular ideology thereafter. The prestige of our country should be more important than our party loyalties. It is my belief that in the times to come, all of us together, drawing inspiration from the glorious past of our country, will make every possible effort to ensure a bright future for the country, and that we will also succeed in our endeavor. Let us all come together to fulfill the dreams of New India. Let us together make a New India. Jai Hind, Nandri, Vanakkam.